jump. नमस्कार, आप सबका स्वागत है। गुजरात चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी हर दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार से ट्विटर पर सवाल पूछ रहे हैं। सोमवार को उन्होंने गुजरात मांगे जवाब सीरीज के तहत 13वां सवाल किया। इसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर लोकपाल को दरकिनार करने, कथित घोटालों और चंद कारोबारियों को फायदा पहुँचाने का आरोप लगाया। राहुल ने पूछा कि मौन साहब से जवाब की दरकार है, किसके अच्छे दिन के लिए बनाई सरकार। बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले की वोटिंग हो चुकी है, दूसरा फेज 14 दिसंबर को है, नतीजों का ऐलान 18 तारीख को होगा। राहुल गांधी ने शनिवार को ट्वीट में लिखा, गुजरात में 22 सालों से बीजेपी की सरकार, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा, क्या कारण है इस बार प्रधानमंत्री जी के भाषणों में विकास गुम है। मैंने गुजरात के रिपोर्ट कार्ड से 10 सवाल पूछे, उनका भी जवाब नहीं। पहले फेज का प्रचार खत्म होने तक घोषणा पत्र नहीं, तो क्या अब भाषण ही शासन है। राहुल ट्विटर पर 22 सालों का हिसाब। गुजरात मांगे जवाब नाम की एक सीरीज चलाकर हर दिन मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। अपने ट्वीट में वे गुजरात के हालात पर प्रधानमंत्री जी से सवाल लिखकर ट्वीट कर रहे हैं। राहुल ने मंगलवार को मोदी से 7वां सवाल किया था। इसमें उन्होंने गुजरात में 3 साल में बढ़े जरूरी चीजों के दाम पर जवाब चाहा था। उन्होंने इसके साथ एक चार्ट पोस्ट किया था। इसमें कीमतों की बढ़ोतरी को परसेंट में बताया गया था, लेकिन चार्ट में यह परसेंट 100% ज्यादा लिखा गया था। मीडिया में यह खबर आने के बाद राहुल ने चार्ट डिलीट कर दिया और एक नया चार्ट पोस्ट किया था, जिसमें कीमतों में बढ़ोतरी फीसदी की बजाय रुपयों में बताई गई थी।